ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। खबरों की शुरुआत पट्टी इलाके खबर से करते हैं, जहाँ जमीनी रंजिश के चलते महिलाओं के बीच में जमकर चले लाठी डंडे, 5 महिलाएं हुई घायल, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कुल 5 महिलाएं घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भर्ती कराया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गड़ौरी खुर्द के श्रीपाल वर्मा और संजय वर्मा से जमीन का पुराना विवाद चल रहा है। सोमवार सुबह उसी जमीन पर श्रीपाल के घर की महिलाएं खेत में आलू लगा रही थी। आरोप है कि इस बीच जबरिया संजय वर्मा के घर की महिलाएं आ गई और कहा सुनी के बाद दोनों बच्चों में लाठी डंडे और फाड़े चलने लगे, जिसमें श्रीपाल पद से अनीता निर्मला इतवारी, दूसरे पद से अर्चना और कलावती गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और मारपीट कर रही महिलाओं को अलग किया। सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पट्टी ले आई। दोनों पक्षों के लोग पट्टी कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें दोनों पक्ष की महिलाएं आपस में गुत्था गुत्थी और मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगली बड़ी खबर। प्रतापगढ़ डिपो से कानपुर जा रही बस की स्टेयरिंग फेल होने की वजह से ट्रक गड्ढे में पलट गई, हालांकि इस दौरान यात्री बाल बाल बच गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के माध्यम से बस को बाहर निकाला और यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया। बता दें कि प्रतापगढ़ डिपो की बस की ठावर और सांगीपुर होते हुए कानपुर जा रही थी, तभी रास्ते में जब वह ननौती के पास पहुंची वहीं स्टेयरिंग फेल हो गई और वह एक गड्ढे में जा गिरी। इस दौरान यात्री किसी तरीके से बस से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं सूचना के बाद उदयपुर के थाना अध्यक्ष समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और ट्रेन के माध्यम से बस को गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत उन्हें दूसरी बस से कानपुर के लिए रवाना किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर की खबर की, जहां 1098 की ओर से सोमवार को दोस्ती अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान बच्चों ने प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों को फ्रेंडशिप बैंड बांधा। एसपी ने बच्चों को मिठाई खिलाई और सभी को सुरक्षा का भरोसा दिया। बता दें 14 नवंबर को चलने वाले दोस्ती अभियान के पहले दिन बच्चे जिला प्रोविजन अधिकारी रण बहादुर वर्मा के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। बच्चों ने एसपी सतपाल अंतिल, एएसपी पूर्वी सागर विद्या मिश्रा, पश्चिमी रोहित मिश्रा, सीओ सिटी सुबोध गौतम को फ्रेंडशिप बैंड बांधा। एसपी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया और एसपी से बातचीत में बच्चों ने भी कहा कि उनका सपना आईएएस आईपीएस और डॉक्टर बनने का है। इस मौके पर चाइल्ड लाइन के निदेशक नसीम अंसारी, अजहर, ओपी श्रीवास्तव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां बालिका से रेप करने के आरोपित को दी गई अंतिम सांस तक का कारावास। बता दें कोर्ट ने 8 साल की बालिका से रेप के आरोपित को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। मामला कोंडौर कोतवाली इलाके के गाँव का है, जहाँ 23 नवम्बर 2018 को बेटा पैदा होने पर आयोजित भोज में खादरपुर का आनंद कुमार आमंत्रित था। आरोप है कि भोज के दौरान वह 8 वर्षीय बालिका को घर से पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजन उलाना लेकर गए तो उनकी पिटाई भी कर दी गई। पीड़िता के पिता ने आनंद वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर आनंद वर्मा को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई है और अर्थदंड की राशि 20,000 रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है। साथ ही पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष से क्षतिपूर्ति प्रदान करने को भी कहा गया। राज्य की ओर से पर भी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे शहर की खबर की, जहां आर्य समाज ने धूमधाम से मनाया 109वां वार्षिक उत्सव। बता दें कि आर्य समाज चौक प्रतापगढ़ द्वारा बाबागंज आर्य समाज भवन में 109वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद संगमलाल गुप्ता ने भी प्रतिभाग किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सदर राजेंद्र मौर्य ने की। विधायक ने कहा कि आर्य समाज ने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। वर्तमान समय में आर्य समाज के सिद्धांत प्रासंगिक हैं और समाज उत्थान में आर्य समाज का बड़ा ही योगदान है। सांसद ने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश को आजाद करवाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। देश में घूम घूम कर समाज को जागृत किया, इसी जागृति के कारण राष्ट्र आजाद हो सका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारी शिक्षा, छुआछूत, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा समाज में फैले पाखंड का विरोध किया था, इसी कारण से राष्ट्र इनकारेडी रहेगा।